हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग बिहार बाय टेस्ट बुक। मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूं काउंटिंग फिगर की शानदार से ट्रिक्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर सीख सकते हैं, अगर आप लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को के अप्रोच को लगाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि काउंटिंग कैसे करेंगे ट्रायंगल की। तो गिनती लिखेंगे और इन दोनों को आपस में प्लस करते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा आंसर। इसमें भी 1, 2, 3, 4 करेंगे और इन सबको प्लस करेंगे तो 7, 2, 9 और ये कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे आप बेस से कि कितने बेस हैं, 1, 2, 3, 4, तो जितने बेस हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 आ जाएगा। अब देखिए ये पूरे के पूरे बेस में डिवाइड नहीं कर रखा है अपने आप को, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हर एक में आपको नंबरिंग करनी होगी, इस तरीके से नंबरिंग करनी होगी, यहां पर भी इस तरीके से नंबरिंग करनी होगी, यहां पर भी नंबरिंग करनी होगी आपको, यहां पर भी आप नंबर डाल दीजिए तो अब जोड़ दीजिए 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20 और एक कितना, तो यहां पर लिखिए 21। इनको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 और एक कितना, 10। इनको जोड़ेंगे 6 तक तो ये पूरे पर 21 था तो यहां भी 21 होगा। 4 तक का सम 10 था, इनका सम कितना होगा, 21। जोड़ दीजिए 21 21 21, कितना हो जाएगा, 63। 63 और 10 कितना हो जाएगा, 73। 73 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 83 83। तो ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको आपने बिल्कुल आसानी से कम समय में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या है कि वर्टिकल कट लगे हुए हैं 3, इस क्वेश्चन में वर्टिकल कट 3 लगे हुए हैं और डायगोनल कट बच्चे 3 लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको यदि वर्टिकल कट और डायगोनल कट दिखाई दे और उनके नंबर ऑफ कट आपस में इक्वल हो, मतलब 3 वर्टिकल 3 डायगोनल, तो आपको सीधे सीधे यहां पर काउंटिंग करनी है और जो लार्जेस्ट नंबर है दोस्तों उसका क्यूब कर देना है, जो लार्जेस्ट नंबर है उसका क्या कर देना है हमेशा, क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्टिकल कट 3 है और नंबर ऑफ डायगोनल कट बच्चे 2 है। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वर्टिकल और डायगोनल कट आपस में इक्वल ना हो तो क्या करेंगे आप, इसको बेस मानेंगे ये पहला बेस, आप इसको दूसरा बेस मानेंगे, आप इसको दोस्तों तीसरा बेस मानेंगे। अब आप देखो ये जो है पहला बेस ये कितनी पार्ट में डिवाइड है, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 1, 2, 3, 4, आपको कुछ नहीं करना, गिनती लिखनी है 1, 2, 3 और ये कितना, 4। ये पहले बेस का काम खत्म हो गया। अब आप दूसरे बेस से शुरू करोगे तो यहां लिखोगे 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 5। अब ये दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरे बेस को उठाना है तो यहां 3 से गिनती नहीं लिखनी, सिर्फ एक इक्वल लगा देना है। अब जोड़ दो 4, 3, 7, 2, 9 और एक कितना, तो 10। सर 5, 4, 9, 9 और 3 कितना, 12 और 2, 14। अब देखो एक और बारी जोड़ना पड़ेगा इसकी वैल्यू, तो ये अगर 4 का डिफरेंस है तो यहां भी 4 का डिफरेंस 18 कर दो और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना है, 42। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना है, 42। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये बड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप स्टार लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूं तो यहां से मुझे 3 ट्रायंगल मिलेंगे, 1, 2 और पूरा 3। यहां से भी 3 दिख रहा है और यहां से भी 3 दिख रहा है, 9 तो ट्रायंगल आपको ऐसे दिखाई दे दिए। अब देखिए अब जो ये एक लाइन है ना पूरी पूरी, ये जो एक लाइन है पूरी पूरी ये अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक इधर, तो 2 और ले लीजिए। ये वाली लाइन भी बच्चे अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 ट्रायंगल और ले लीजिए। ये वाली लाइन भी तुम्हें 2 ट्रायंगल देगी, एक इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट, 2 हो गया। और एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है तो 1 लिख लीजिए, तो 9, 2, 11, 11, 2, 14, 13, 13, 2, 15 और एक कितना, तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 16 हो जाएगा, जिसको हम 16 के नाम से जानेंगे। बहुत प्यारी ट्रिक दे रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो देखिए अगर मैं फिगर से ये वाली लाइन हटाऊं, अगर मैं ये वाली लाइन हटाऊं तो आपको ये वाला डायग्राम नजर आएगा और आपको पता है सर उस डायग्राम में 16 ट्रायंगल होता है। तो जब हमने लाइन को बनाया, जब हमने लाइन को बच्चे क्या किया बनाया, ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जब हमने इस लाइन को बनाया तो इस लाइन पर कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो यहां पर 3 बनेगा, इसके नीचे भी 3 बनेगा, एक्स्ट्रा कितने बन गए, 6 बन गए।
यहीं पर कहानी रुकती नहीं, छह बन गए। छह के बाद इस तरीके से आप क्रॉस में देखिए, छह के बाद इस तरीके से क्रॉस में देखिए, तो ये लाइन एक ट्रायंगल इधर दे गई और ये लाइन एक ट्रायंगल इधर को दे गई। तो इस तरीके से दो और हो जाएगा तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से कितना मिल जाएगा बच्चे, तो 24 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। ये देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है कि जब किसी फिगर में ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, उसके ऊपर ट्रायंगल की बात करा हो तो आप आंसर को कैसे निकालते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ आप देखो बेस, तो एक ये देखो, दो ये देखो, तीन ये देखो, चार। आप इस बेस को डिनोट करना एन बराबर कितना, चार। सिमिलरली एक दो तीन चार पांच, इस बेस को डिनोट करना एन बराबर कितना, पांच। अब आपको एन से करनी पड़ेगी काउंटिंग। अब आपको बच्चे क्या करनी पड़ेगी, एन से करनी पड़ेगी काउंटिंग चार तक। तो लिखो एक, लिखो दो, लिखो तीन, लिखो चार। अब देखो एक के सामने एक रखना, एक के सामने एक रखना और क्रॉस में जोड़ना, तो दो और एक कितना, तीन, तीन और तीन कितना, छह, छह और चार कितना, दस। अब आप इसको जोड़ दोगे आपस में तो दस और छह सोलह, तीन उन्नीस और एक कितना हो जाएगा, बीस। अब अगला काम क्या करोगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, इसको छोड़ दोगे इसको ले लोगे, इसको छोड़ दोगे इसको ले लोगे। तो आपने छह और एक सात नंबर को लिया, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 27 हो गया। क्लियर है? ऐसे इस क्वेश्चन को देखो तो एक दो तीन चार पांच, तो एक के सामने एक रखो, एक के सामने एक रखो और जोड़ो, दो एक तीन, तीन और तीन छह, छह और चार दस, दस और पांच पंद्रह, इसको जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, पहले को छोड़ो दूसरे को लो, इसको छोड़ो इसको लो, इसको छोड़ो, तो देखो 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 48 हो जाएगा, जिसको हम 48 के नाम से जानेंगे। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से ही शानदार से ट्रिक को जानने के लिए और इस कंप्लीट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं बच्चे कल से सुबह 10 बजे अपनी रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास, सुबह 10 बजे अपने रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास, चैप्टर वाइज, जिसमें हम इसी तरीके से, ये तो अभी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि इतने कम समय में मैं इतने क्वेश्चंस करा सकता हूं आपसे अगर आप मेरा साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे तो। तो बच्चे सुबह 10 से 11 आप चैप्टर वाइज के लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हो और रात के 9 बजे से 10 बजे तक आप अगर सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहते हो और आप रिवीजन चाहते हो तो आप मेरे से डेली रात 9 से 10 अपनी इस क्लास में जुड़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ऐसे ही ट्रिक्स की वीडियो डेली चाहिए। तो मिलते हैं अपनी इस 10 से 11 की क्लास में और 9 से 10 की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चे।